कल आप लोगों को बताया हुआ था अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज और दो केस में बताया हुआ था। एक बताया हुआ था कि व्हेन बोथ लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली और दूसरा बताया था बोथ लेंसेज आर सेपरेटेड बाय ए लिटिल डिस्टेंस कोएक्सियली। अब इसके बाद आप लोगों को बताना चाहते हैं स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है, हिंदी होता है वर्णक्रम। तो क्या है कि आपको हम बताए हुए थे स्पेक्ट्रम में कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट में बताए थे कि एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर वाइट लाइट का रे डाला जाता है तो यह 7 रंग में बंट जाता है। ये हमने दिखा दिया कि 7 रंग में बंट रहा है और ये 7 रंग में बंटता है जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और सामने एक स्क्रीन लगा दिया जाए, ये स्क्रीन भी वाइट होता है तो ये 7 कलर यहाँ पर आते हैं। ये 7 के 7 कलर इस स्क्रीन पर आते हैं और इस स्क्रीन पर 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होता है जिसमें सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं। रंगों के इस ऑर्डर को स्पेक्ट्रम कहा जाता है क्योंकि यदि आप संधि विच्छेद करें इसके हिंदी का वर्ण क्रम, वर्ण का अर्थ रंग, क्रम मनी ऑर्डर, तो ये वर्ण क्रम कहलाता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि श्वेत प्रकाश के किरण को जब प्रिज्म पर डाली जाती है तो इसका डिस्पर्शन होता है और यह 7 रंगों में बंटकर प्रिज्म से निर्गत होते हैं तथा सामने के पर्दे पर 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होता है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमशः वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर पाए जाते हैं। रंगों के इस ऑर्डर को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, रंगों के इस क्रम को वर्णक्रम कहा जाता है। अब ऐसा है कि इम्प्योर स्पेक्ट्रम यानी कि ये हो गया आपको इम्प्योर स्पेक्ट्रम, अशुद्ध वर्णक्रम। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि आप लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं। जैसे ये मकान, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बालू पड़ा हुआ है, सैंड पड़ा हुआ है, यह छोटा छोटा पार्टिकल था, सीमेंट पड़ा हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल था, इत्यादि इत्यादि। अब ये मकान बन जाने के बाद, ये इतना विशाल ठोस बन जाने के बाद हम कहें कि इसमें से एक बालू का पार्टिकल निकाल के दीजिए
हम कहें कि इस दीवार में से एक सीमेंट का पार्टिकल निकाल के दीजिए, तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब यही बात है कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, प्रकाश किरणों का समूह है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रकाश में से व्यवहार में एक किरण को प्राप्त करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। चाहे आप जितना भी बारीक प्रकाश का पुंज लें, एकदम से बारीक नैरो, उसमें भी एक से ज़्यादा रे पाए जाते हैं। हम ये कहना चाहते कि ये एक प्रिज्म लिया जाए और प्रिज्म के सामने उसके एक आर्म्स के एक पृष्ठ के समानांतर एक स्लाइट एस रख दिया जाए। ये आप स्लाइट समझ रहे होंगे, स्लाइट क्या, जैसे पोस्ट कार्ड लें, पोस्ट कार्ड में नीडल से एक बारीक छेद बना दें, कांच का ये कोई अपारदर्शी पदार्थ का एक कार्ड लें, एक प्लेट लें, उसमें बारीक छेद बना दें, या शीशा लें, ग्लास लें, उसको पेंट करके अपारदर्शी बना दें और उसमें एक बारीक जगह, एक नैरो जगह ट्रांसपेरेंट छोड़ दें, तो ये भी स्लाइट हो जाएगा। तो ये एक नैरो स्लाइट लिया, इस स्लाइट पर वाइट लाइट डाला। अब ये वाइट लाइट काफ़ी बारीक है, काफ़ी बारीक, फिर भी वो एक किरण नहीं है, एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा कितना है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें मात्र दो किरण है, दो रे है, ऐसा मान लिया। तो ये दोनों किरणों का अपना अपना डिस्पर्शन होगा, ये आर वन हो गया, ये वी वन हो गया, बाकी पांच कलर इन दोनों के बीच है। इसका भी करें तो ये आर टू हो गया, ये वी टू हो गया, बाकी पांच कलर इसी के बीच है। यानी रे नंबर वन का डिस्पर्शन ये हुआ, रे नंबर टू का डिस्पर्शन ये हुआ। अब सामने में स्क्रीन रख दिया, पर्दा रख दिया, जब इस प्रिज्म से ये बाहर निकलेगा, ये आपको वायलेट टू आ गया और ये चला गया पर स्क्रीन पर, ये रेड टू हो गया। अब ये चला आपको यहाँ पर आ गया, रेड वन हो गया, और ये चला यहाँ पर, तो ये आपको वी वन हो गया। तो दोनों रे का ये स्पेक्ट्रम है, नंबर एक रे नंबर वन का स्पेक्ट्रम आर वन वी वन और रे नंबर टू का आर टू वी टू, इन दोनों स्पेक्ट्रम का ये भाग उभयनिष्ठ हो जाता है, ये पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ कलर इसमें एक दूसरे पर चढ़ गए, एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए, अपने चंपारण के भाषा में एक दूसरे पर चढ़ गए। तो इसी को हम कहेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, अशुद्ध वर्णक्रम। फिर क्या है कि तब आप ये कहना चाहेंगे या ये सोच रहे होंगे
के चाहे जितना भी बारीक प्रकाश का बीम लिया जाए उसमें एक से अधिक रे होते हैं और ये रे अपना अपना स्पेक्ट्रम पर्दे पर बनाते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है ये स्पेक्ट्रम और इनप्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अर्थात प्योर स्पेक्ट्रम हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब व्यवहार में एक किरण उपलब्ध ही नहीं है इसका अर्थ है कि हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है बेटे, बल्कि प्योर स्पेक्ट्रम भी हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना पड़ता है। अब वो क्या व्यवस्था करना पड़ता है, तो ये लिख दिया हमने प्योर स्पेक्ट्रम और प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म को मीन कलर के लिए अर्थात येलो कलर के लिए हम इसको न्यूनतम विचलन की अवस्था में रखते हैं, मिनिमम डिविएशन की अवस्था में रखते हैं और इसके एक सरफेस के पैरेलल ये हम लोग नैरो स्लाइट व्यवस्थित कर देते हैं, नैरो स्लाइट एस एडजस्ट कर देते हैं, ये प्रिज्म और स्लाइट के बीच में एक अक्रोमेटिक लेंस रख देते हैं, ये हमने अक्रोमेटिक लेंस एडजस्ट कर दिया एल वन और वो क्या है कि इस लेंस के फोकस पर स्लाइट एस रहता है और यहाँ पर स्क्रीन व्यवस्थित कर देते हैं Z डैश और प्रिज्म तथा स्क्रीन के बीच में एक लेंस एडजस्ट कर देते हैं L2 और इस लेंस के फोकस पर ये पर्दा Z डैश होता है। यहाँ से रे चलता है, मान लेते हैं कि दो रे चल रहे हैं, ये दो रे चल रहे हैं, रे नंबर वन और रे नंबर टू, चूंकि ये फोकस पर है इसलिए लेंस से जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो एक दूसरे से के पैरेलल निकलेगा, ये आपको चला आया यहाँ पर, ये चला आया यहाँ पर, दोनों रे वन और टू एक दूसरे के पैरेलल होकर प्रिज्म पर पहुँच गए, इसका डिस्पर्शन होगा, ये डिस्पर्शन को हमने मान लिया R1 V1, इसका डिस्पर्शन होगा इसको मान लिया R2 V2, ये अब जाएगा इस लेंस पर, ये लेंस पर गया R1 V1, ये लेंस पर गया R2 V2, और क्या है कि R1 रिफ्रैक्ट होके ऐसे, R2 रिफ्रैक्ट होके ऐसे, यानी उसका रेड और इसका रेड, वन नंबर रे का रेड और दो नंबर रे का रेड एक ही बिंदु पर आके कन्वर्ज हो गया और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लाल हमको मिल गया। फिर क्या है कि ये वायलेट वन और वायलेट टू, आपको वायलेट वन और वायलेट टू यहाँ पर कन्वर्ज हो गया तो ये वायलेट मिल गया, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि पांचों रे यानी के ब्लू
ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये पांचों के पांचों इसमें एक ही बिंदु पर, यानी जिस तरह से रेड वन और रेड टू एक बिंदु पर, वायलेट वन और वायलेट टू एक बिंदु पर, उसी तरह से इंडिगो वन इंडिगो टू एक बिंदु पर होंगे और इस तरह से प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। तो प्रायः आप लोगों से एग्जामिनेशन में भी दो नंबर में पूछता है, दो नंबर का क्वेश्चन होता है, दो मार्क का, कि प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की आवश्यक शर्तों को लिखें। तो उसमें यही हो गया कि नंबर एक, स्लाइट वर्टिकल नाइरो एवं प्रिज्म की सरफेस के समानांतर होना चाहिए। नंबर दो, प्रिज्म और स्लाइट के बीच एक अक्रोमेटिक लेंस व्यवस्थित रहना चाहिए और इस लेंस के फोकस पर स्लाइड को रहना चाहिए। नंबर तीन, मीन कलर के लिए प्रिज्म को मिनिमम डिविएशन न्यूनतम विचलन की अवस्था में होना चाहिए। नंबर चार, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में एक लेंस होना चाहिए और इस लेंस के फोकस पर पर्दे को होना चाहिए। नंबर पाँच, प्रिज्म से निर्गत किरणों को लेंस द्वारा पर्दे पर कन्वर्ज किया जाता है और इस प्रकार हमें प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। अब क्या है कि स्पेक्ट्रम होता है दो तरह का, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है दो तरह का, एक को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम बोलिए या स्पेक्ट्रा बोलिए, और एक को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और क्या है कि ये दोनों बात भी आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि ये उत्सर्जन और अवशोषण शब्द क्यों लग रहा है। तो इससे पहले आपको 11th क्लास में बताया हुआ था ट्रांसमिशन ऑफ हीट में कि कोई भी वस्तु हाई टेम्परेचर पर जिस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर उसी रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है। अर्थात लोहा को जब आप गर्म करते हैं तो अंत में रेड हॉट हो जाता है, अर्थात उसमें से लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है जो आपकी आँख पर आता है और आपको लाल दिखता है। इसका अर्थ हुआ कि लोहा नॉर्मल टेम्परेचर पर कहीं भी है तो वो प्रकाश में से रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह से हम लोगों के देहात में जोंक होता है, जब किसी जानवर को या जंतु को पकड़ लेता है तो खून चूस के एकदम से मोटा हो जाता है और उसके मुंह पर एक दो पार्टिकल साल्ट का नमक का रख दीजिए तो सारा खून उगल देता है। ठीक उसी तरह से ये लोहा कहीं भी रहता है तो प्रकाश में से लाल रंग को एब्जर्व करता है और जैसे ही इसको नमक के रूप में यानी गर्म करना शुरू कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर पर पहुंच के वो रेड कलर के प्रकाश को उगलना शुरू कर देता है, यानी रेड कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है। तो उसी से ये उत्सर्जन बना हुआ है कि किसी वस्तु को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने पर या इनकैंडिसेंट स्टेट में ले जाने पर
जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खेल है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस की परिक्रमा करते रहते हैं। जब तक ये अपने ऑर्बिट में रहता है ना तो एनर्जी का लॉस करता है न एनर्जी गेन करता है, लेकिन ये जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिशन करता है वो अपने केमिस्ट्री में पड़ा होगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या एनर्जी वो क्या कहते हैं लॉस करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और 10^-8 या 10^-9 सेकेंड में अपने एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित कर फिर वो चला जाता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में। तो वही बात यहाँ पर है कि यही एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और ये एमिशन स्पेक्ट्रा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 में होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और क्या है कि नंबर 2 में आपको लाइन स्पेक्ट्रा, नंबर 3 में बैंड स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम संतत वर्णक्रम अर्थात लगातार स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जाता है जिसमें सभी वेवलेंथ यानी ये 7 वेवलेंथ अर्थात ये 7 कलर लगातार पाए जाते हैं। एक रंग कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरा रंग कहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये पता ही नहीं चलता है। अर्थात किन्हीं 2 रंगों के बीच न कोई गैपिंग होता है, न कोई डार्क स्पेस या डार्क लाइन होता है। इसी तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और 2 तरह से लोग लिखता है, एक लिखता है कि जिसमें सभी वेव लेंथ लगातार पाए जाएं उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जाता है, या साधारण भाषा में लिखते हैं जिसमें 7 रंग लगातार पाए जाएं उन्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इसमें किन्हीं 2 रंगों के बीच में किसी प्रकार की गैपिंग या डार्क स्पेस नहीं पाया जाता है, और कोई रंग कहाँ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एक रंग कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरा रंग कहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये पता ही नहीं चलता है। 2 नंबर में है लाइन स्पेक्ट्रा, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, यानी परमाणु और परमाणु वर्णक्रम भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जब हम किसी आइटम को एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं और उसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो पर्दे पर नैरो कॉलर्ड स्ट्रेट लाइन दिखाई देते हैं। इसी कॉलर्ड स्ट्रेट लाइन को लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। जैसे कि सोडियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो उससे जो पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो 2 बारीक पीला सरल रेखा प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों बारीक पीले सरल रेखाओं को सोडियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे या लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रा।
तो इसमें क्या है कि इसको मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्योंकि इसको मॉलिक्यूल से पाया जाता है, मॉलिक्यूल से ये उत्पन्न होता है। तो अब किसी मॉलिक्यूल को जैसे Cl2 को, या जैसे वो आपको क्या कहते हैं I2O2, ये सब को एक्साइटेड स्टेट में ले आएं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में ले जाएं और उसको एक्साइटेड करें, तो उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा, उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, वो स्पेक्ट्रम रंगीन पट्टी के रूप में होता है। इसीलिए इसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं, या इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इसका एक छोर फीके रंग पर होता है, हल्के रंग पर होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसका रंग गाढ़ा होता जाता है, डीप होता जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब वाइट लाइट के रास्ते में नॉर्मल स्टेज में कोई वस्तु रख दी जाए, कोई पदार्थ रख दिया जाए, और तब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो स्पेक्ट्रम में से ये पदार्थ कुछ विशेष रंग को एब्जर्व कर लेता है, और वहाँ पर डार्क स्पेस या डार्क लाइन बन जाता है, या डार्क बैंड बन जाता है। उसी डार्क स्पेस को उस पदार्थ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अर्थात हम ये कहना चाहते कि वाइट लाइट को किसी पदार्थ से होकर गुजारी जाए जो कि नॉर्मल स्टेज में हो, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम में कुछ विशेष रंग का प्रकाश एब्जर्व हो जाता है, और वहाँ पर डार्क स्पेस या डार्क लाइन दिखाई देता है। इसी डार्क स्पेस या डार्क लाइन को उस पदार्थ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी तीन तरह का होता है। नंबर एक, डार्क कंटिन्यूअस, डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दूसरा होता है डार्क लाइन स्पेक्ट्रा, और तीसरा होता है डार्क बैंड स्पेक्ट्रा। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ ये हो गया कि डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जैसे यहाँ पर रेड कलर का एक प्लेट रख दिया जाए, कांच का, कांच से बना रेड कलर का प्लेट है, रेड कलर का, और इस पर वाइट लाइट डाला जाए और स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो स्क्रीन पर रेड कलर तो मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, लेकिन इसके बाद वाला वायलेट से लेकर रेड तक का स्थान डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये रेड ग्लास है, तो वाइट लाइट में से रेड कलर को ही ये ट्रांसमिट करेगा, या रेड कलर को ही ये पास करेगा, बाकी कलर्स को यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज को यहीं पर एब्जर्व कर जाएगा, और एब्जर्व कर जाएगा तो सामने के पर्दे पर रेड कलर तो दिखाई देगा, लेकिन रेड कलर के अलावा नीचे जितना भी कलर हैं उनके स्थान पर डार्क स्पेस बन जाएगा। अतः यहाँ से लेके यहाँ तक के रेड तक के डार्क स्पेस को रेड ग्लास का डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और डार्क लाइन स्पेक्ट्रम,
यानी श्वेत प्रकाश को किसी नॉर्मल स्टेज वाले श्वेत प्रकाश के रास्ते में नॉर्मल स्टेज वाला कोई पदार्थ रख के स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, कोई आइटम रख के स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम के में प्राप्त स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन दिखाई देते हैं। इसी डार्क लाइन को उस आइटम का डार्क लाइन स्पेक्ट्रा या डार्क एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। जैसे व्हाइट लाइट के रास्ते में सोडियम रख दिया जाए जिसका स्टेज नॉर्मल हो, सोडियम रख के तब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो स्पेक्ट्रम तो प्राप्त होगा ही, उसमें जो येलो कलर मिलेगा उस येलो कलर में दो नैरो स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगे डार्क। इस डार्क नैरो स्ट्रेट लाइन को सोडियम का डार्क लाइन स्पेक्ट्रा या डार्क एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और क्या है डार्क बैंड स्पेक्ट्रा? यदि व्हाइट लाइट के रास्ते में कोई मॉलिक्यूल CN2O2 वगैरह रख दिया जाए नॉर्मल स्टेज में और सामने के पर्दे पर स्पेक्ट्रम देखा जाए तो हम देखेंगे कि उस स्पेक्ट्रम में किसी विशेष रंग में एक डार्क पट्टी बन गया है। इसी पट्टी को उस मॉलिक्यूल का डार्क बैंड स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो इस तरह से यहीं तक आज रहने दीजिए, अगले दिन यानी कल सोलर स्पेक्ट्रम से आगे बढ़ेंगे। आज इसी को रिपीट मार के देखिए, और यदि आप लोगों को समझ में आता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप समझ रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, दो बार तीन बार देखिए उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो अनलाइक पर दबा दीजिए, हम देख लेंगे, उसको रिपीट करना होगा तो फिर से रिपीट कर देंगे। रहने दिया जाए।